सच बताऊं तो मुझे बहुत खुशी है। पिछले 5 सालों ने हमारे अंदर के बदनुमा चेहरे को एक्सपोज किया है कि हम अंदर से कितने बदसूरत हैं, हमारे दिलों में कितनी नफरत है अपने दूसरे नागरिकों के लिए। और जब हमारे राजनीतिक रहनुमा इस तरह के नफरत भरे बयान देते हैं तो हम उनकी आलोचना करने के बजाय, उन्हें कटघरे में रखने के बजाय उस पर तालियां बजाते हैं। आज रामनवमी के मौके पर, मर्यादा पुरुषोत्तम के इस महान पर्व के मौके पर आपके सामने मैं नफरत की इन दास्तानों को आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि आज बहुत जरूरी हो गया है कि हम खुद को यह आईना दिखाएं। दोस्तों, ये जो बयान दिया है बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने, इसकी बहुत चर्चा हो रही है। और अगर ये बयान मैं आपको पढ़ के सुनाऊं तो उन्होंने कहा है कि मैं और हम ये इंश्योर करेंगे कि एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स हर जगह लागू हो, हम इस देश से हर घुसपैठिए को हटा देंगे, बुद्धिस्ट, हिंदूज और सिखों को छोड़ के, जबकि इस देश में मुसलमान भी बसता है, ईसाई भी बसता है, मगर अमित शाह ने खुलेआम कह दिया कि अगर घुसपैठिया हिंदू होगा, सिख होगा या बुद्ध होगा, बुद्धिस्ट होगा, उसे तो हम आने देंगे, मगर मुसलमान और ईसाई के लिए कोई जगह नहीं है। दोस्तों, आज की तारीख में जब धर्म के आधार पर हम एक दूसरे को बांट रहे हैं तो सही मायने में टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े जो तमाम पिछलगू न्यूज चैनल्स हैं, वो तो तमाम लोग जो हैं बहुत ही आसानी से एक दूसरे को टुकड़े टुकड़े गैंग कह देते हैं, अफजल प्रेमी गैंग कहते हैं। तो एक ऐसे मौके पर जब हम में धर्म के आधार पर खाइयां खींची जा रही हैं, वो भी कौन? देश का दूसरा सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी अमित शाह। तो सही मायने में टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है? अमित जी, ये ना भूलें कि आप रूलिंग पार्टी के यानी कि जो देश में सत्ता में है उसके अध्यक्ष हैं, यानी कि इस पॉलिटिकल पार्टी का सबसे अहम आदमी, सबसे ताकतवर आदमी। आज की तारीख में अगर आप ईसाई और मुसलमान को इस तरह का संदेश दे रहे हैं तो जाएगा कहां? वो इन हालात में, इस हॉस्टिलिटी में कैसे जिएगा? क्योंकि देखिए, पिछले 5 सालों ने स्पष्ट कर दिया कि अगर आप इस सरकार के साथ नहीं है, इसकी विचारधारा के साथ नहीं है, तो सिर्फ मुसलमान या ईसाई ही नहीं, मेरे जैसा अगड़ी जाति वाला हिंदू जिसका शिव में विश्वास है, जो एक धार्मिक व्यक्ति है, मेरे लिए भी ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं कि मुझे नौकरी मिलना मुश्किल हो जाता है। यह इस सरकार ने किया है, क्यों? अगर आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते, और यह काम सरकारों का नहीं होता है। सरकार एक सर्विस प्रोवाइडर होता है, वो हर किसी की सेवा करता है, अगर वो आपसे इत्तेफाक ना रखे तब भी, अगर वो आपकी विचारधारा को माने ना माने तब भी। मगर मुझे अमित शाह के इस बयान के पीछे चतुर सियासत दिखाई देती है, मैं आपको क्यों बताता हूं। अमित शाह ने जानबूझकर चुनावों के बीच यह बयान जारी किया है। वो जानते हैं कि इस पर चर्चा होगी, हिंदू मुसलमान का मुद्दा फिर उग्र हो जाएगा और चुनावों में ध्रुवीकरण पैदा हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, पहले चरण के मतदान में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों में सिर्फ 2 ही सीटें ऐसी हैं जहां उसको जीत मिलती दिखाई दे रही है। तो बहुत ही चतुर सियासत है, और आपको एक नागरिक होने के नाते इस चतुर सियासत से बच के रहना चाहिए, आगाह रहना चाहिए, क्योंकि यह सीधे तौर पर एक हेट स्पीच है, नफरत पैदा करने वाला बयान है। और सबसे हास्यास्पद बात यह है कि तवलीन सिंह जैसे जाने माने रिस्पेक्टेड पत्रकार ये ट्वीट करती हैं कि साहब, ये तो पता लगाया जाए कि ये बात सही भी है या नहीं, जबकि ये बात कहीं और से नहीं, भारतीय जनता पार्टी के रजिस्टर्ड ब्लू टिक वाले हैंडल से ये चीज सामने उभर कर आई है। दोस्तों, मैंने शुरुआत में क्या कहा था, हम जो अगड़ी जाति के या फिर फॉरवर्ड कास्ट्स, अपर मिडिल क्लास के लोग, हमारे अंदर के बदनुमा चेहरे, मैंने ऐसा क्यों बोला? मैं आपको बयान पढ़ के सुनाना चाहूंगा गुरशरण दास का, जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं, ऑथर हैं। उनका कहना है कि अगर मोदी ने अपने तमाम वादों पर एक तरह से अमल किया होता
तमाम आर्थिक वादों पर अमल किया होता तो जो उनकी तमाम विभाजनकारी नीतियां हैं, छद्म राष्ट्रवाद है, मैं उसको भी निगलने को तैयार था। यानी कि अगर देश की आर्थिक व्यवस्था सही होती तो हम इस नफरत को भी निगलने को तैयार हैं। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। यही वजह है कि मैंने आपसे कहा कि पिछले 5 सालों ने हमारे अंदर जो नफरत भर दी है और उस नफरत के चलते हमारे जो बदनुमा चेहरे सामने उभर कर आए हैं वो शॉकिंग है। अब गौर कीजिए मेनका गांधी ने क्या कहा। पहले तो आप सुनिए मेनका गांधी कह क्या रही। लोगों की मदद, लोगों के प्यार से मैं जीत रही हूँ। अगर मेरी जीत मुसलमानों के बिना होगी तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इतना मैं बता देती हूँ कि फिर दिल खट्टा हो जाता है। फिर जब मुसलमान आता है काम के लिए, फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। आखिर नौकरी एक सौदेबाजी भी तो होती है, बात सही है कि नहीं। ये नहीं कि हम लोग सब महात्मा गांधी के छठे औलाद हैं कि हम लोग आए केवल हम देते ही जाएंगे और फिर इलेक्शन में मार खाते जाएंगे। ये इलेक्शन तो मैं पार कर चुकी हूँ, अब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। अब आपको ये जरूरत के लिए नींव डालना है तो ये है वक्त। आपका जब पोलिंग बूथ का आएगा रिजल्ट और उस रिजल्ट में 100 वोट निकलेंगे या 50 वोट निकलेंगे, तो उसके बाद जब आप काम के लिए आएंगे तो वही होगा मेरे साथ। समझ गए आपको? मुझे बहुत हास्यास्पद लगी मेनका गांधी की बात। हास्यास्पद नहीं है, कहा जाए गुस्सा आया। पहले गुस्सा आया और फिर बाद में हंसी। मेनका जी, ये सीट जो है ना आपको, वो जनता की मेहरबानी के चलते हुआ है। ये सीट किसी की बपौती नहीं है, ये सीट आपकी मिल्कियत नहीं है मेनका जी, कि आप ये कहें कि साहब आप किसी पर एहसान कर रही हैं। और सबसे अच्छी बात ये कहती हैं कि हम क्या देते ही जाएंगे। आप होती कौन है देने वाली? जो आप दे रही हैं, यानी कि जो मदद कर रही हैं आम जनता की, ये आपके जेब से जाने वाला पैसा नहीं है। ये पैसा सरकारी खजाने से निकलता है। लिहाजा जब आप ये बात कहती हैं कि मैं देती ही जाऊंगी, कृपया जनता पर एहसान मत डालिए, ऐसा कुछ नहीं है। जब जानवरों के दिलों में आपके दिल में इतनी मोहब्बत है तो इंसान को आप क्यों भूल जाती हैं? अगर एक जानवर तकलीफ में हो और उस तकलीफ में आपको वो काट दे तो क्या आप तुरंत उसे गोली मार देंगे? आप तो कम से कम नहीं मारेंगे। तो जब जानवर से इतनी मोहब्बत तो अपने देश के इंसान से इतनी नफरत क्यों आपको? नफरत को जायज करने की मानो एक कोशिश की जा रही है। और सबसे दुखद बात यह है, क्योंकि अमित शाह भी राज्यसभा सदस्य हैं, मेनका गांधी भी सांसद हैं, मंत्री हैं, और दोनों ने जो पद और गोपनीयता की शपथ ली है उसकी तौहीन की है। क्योंकि जब इन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी तो क्या कहा था कि बगैर भय, बगैर द्वेष, बगैर पक्षपात के मैं जनता की सेवा करूंगा या करूंगी। आप बताइए इन दोनों नेताओं ने इस शपथ की तौहीन की है या नहीं की है? हम तो इन चीजों के बारे में अब हमने सोचना भी छोड़ दिया दोस्तों, सबसे दुखद बात यह है। और बात यहां नहीं बंद होती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने कुछ दिनों पहले सेना की तौहीन की थी, आर्मी की बेइज्जती की थी, ये कहकर कि ये मोदी जी की सेना है, क्योंकि जनरल वीके सिंह ने भी कहा था कि ये सही मायनों में राष्ट्रद्रोह है अगर आप मोदी जी की सेना कह रहे हैं। ये बात अलग है कि उसी बयान से जो कि टीवी पर रिकॉर्डेड है उससे वो पलट गए थे। तो अब योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी की अली में विश्वास है तो हमारा विश्वास बजरंग बली में है। यानी कि फिर से आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, काम दिखाने को कुछ है नहीं इसलिए हिंदू मुसलमान करें। आप में से कुछ लोग क्या कहेंगे मैं जानता हूं। आप में से कुछ लोग ये बात कह रहे होंगे कि साहब मायावती ने फिर क्यों कहा कि तमाम मुसलमान कांग्रेस पर अपना वोट बर्बाद ना करें और हमें वोट दें। यकीनन मायावती ने जो बात कही उसकी भी मैं आलोचना करता हूं, मगर
मायावती धर्म के आधार पर पक्षपात नहीं करती, उनकी पार्टी में हिंदुओं के साथ अत्याचार नहीं होता, उन्होंने ढेरों टिकट्स हिंदुओं को दिए हैं, और उनके जो सबसे बड़े सलाहकार हैं वो एक ब्राह्मण है, सतीश चंद्र मिश्र। मिश्रा जी कौन होते हैं? ब्राह्मण होते हैं ना। मगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, योगी आदित्यनाथ की सरकार में कितने अहम पदों पर मुसलमान हैं? कितने हैं? और जो अभी टिकट्स दी जा रही हैं सांसद के लिए, वहां पर कितने मुसलमानों को सांसद के चुनाव लड़ने के लिए टिकट दी गई है? बताइए बताइए। तो लिहाजा किसी भी सूरत में तुलना नहीं की जा सकती मायावती और योगी आदित्यनाथ की। और अब बात करते हैं इन तथाकथित साधु की। जी हां, साक्षी महाराज, सुनिए किस तरह से लोगों को धमकी दे रहे हैं कि अगर तुमने मुझे वोट नहीं दिया तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। सन्यासी आपके दरवाजे पर आया है, और सन्यासी जब किसी के दरवाजे पर आता है, भिक्षा मांगता है, कोई बात याचना करता है, अगर उसकी बात नहीं मानी जाती है तो जानते हैं वो सन्यासी गृहस्थी के पुण्य ले जाता है और अपने पाप दे के चला जाता है। इसलिए तुम तीन सारों को केवल कमाल 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 कमाल। दोस्तों, साक्षी महाराज ने आपसे कुछ दिनों पहले एक और बयान दिया था, और उस बयान में उन्होंने कहा था कि ये आखिरी चुनाव है, अगर मोदी जी जीत गए इसके बाद चुनाव नहीं होंगे। मैं चाहता हूँ कि आप वो बयान भी सुने। पहले बार देश में जागृति आई है, हिंदू जग गया है, लोग जग गए हैं, और मुझे लगता है किस चुनाव के बाद, मैं सन्यासी हूँ, मन में जो आता कह देता हूँ, अनुभव करता हूँ, इस चुनाव के बाद 2024 में चुनाव नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं, नफरत और डराना, ये मानो दो हथियार हो गए हैं इस पॉलिटिकल पार्टी के, और इस पॉलिटिकल पार्टी से इत्तेफाक रखने वाले इसके सांसदों, इसके नेताओं के, क्योंकि इसी तरह के बयानात आप इनके स्पोक्सपर्सन्स में देखते हैं, जो तमाम डिबेट्स में, चाहे वो गौरव भाटिया हो, चाहे वो प्रेम शुक्ला हो, संबित पात्रा तो चलिए आजकल चुनावों में बिजी हैं, मगर ये तमाम जो नेता हैं इनके बयानों में इतना ज्यादा जहर है, और वही जहर जो है पूरी पार्टी की सोच का मानो हिस्सा बन गई है। ये साक्षी महाराज जो देश की जनता को धमकी दे रहे हैं, वोट नहीं दोगे तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा, और अगर इन्हें वोट मिल गया और अगर ये जीत गए तो देश में दोबारा चुनाव नहीं होंगे, ये मेरे शब्द नहीं है, ये किसके शब्द हैं? साक्षी महाराज के शब्द हैं। आज वाकई देश की जनता को सोचना है कि क्या आपको एक राजनीतिक विचारधारा इसी तरह से नफरत खिलाती रहेगी, और आप उसे निगलते रहेंगे, आप में कितना एपेटाइट है, आप में कितना स्टैमिना है नफरत को चबाने का, मैं ये जानना चाहता हूं, बताइए। और जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा था, मुझे बहुत खुशी है इन चार सालों ने न सिर्फ आम इंसान को एक्सपोज किया है कि जो बातें हम बंद कमरों में कहा करते थे अब हम खुले आम एक दूसरे को कहते हैं, पुरानी दोस्तियां बिखर रही हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स टूट रहे हैं, दोस्त जो बचपन के दोस्त थे, चूंकि आपका विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है तो आप उनकी आलोचना तक नहीं सुन सकते, और उसी के चलते आपने अनाप शनाप गालियां देकर अपनी दोस्ती तक बर्बाद कर दी है, क्योंकि यही विरासत है इस नफरत की। और मैं चाहूंगा देश इस नफरत में खुद को बार बार दफन करे, क्योंकि देखिए मीडिया भी क्या कर रहा है, मीडिया भी इस नफरत को बढ़ा रहा है, ठीक है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि इन 5 सालों ने यह भी साबित किया है कि देश का मुख्य धारा का मीडिया कितना झुका हुआ है, कितना कॉम्प्रोमाइज्ड है, कितना बेंट है, मुझे खुशी है इस बात की। और मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह से इस नफरत में दफन रहें, क्योंकि देखिए 5 साल तो है ही, इस जहर से उबरते उबरते न जाने कितना वक्त लग जाएगा, ये पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में फिर आएगी, जैसे कि कई लोग कहते हैं, आएगी सत्ता में ये अपनी सोच नहीं बदलेगी, हम सब इसी नफरत में दफन रहें, मगर आज से कई सालों बाद हमारे बच्चे या उनके बच्चे मुड़कर हमें गाली देंगे कि जब तुम्हारे पास मौका था इस नफरत को ना कहने का, तुम खामोश रहे, तुम उस नफरत में घी डालते रहे।